ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन बहुत ज़्यादा स्पेशल पॉकीमॉन होते हैं एंड ड्रैगन पॉकीमॉन एक दूसरे के अगेंस्ट सुपर इफेक्टिव होते हैं और ये कुछ पॉकीमॉन के अगेंस्ट वीक होते हैं जैसे कि आइस एंड फेरी टाइप पॉकीमॉन। ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं और उनमें से कुछ सूडो लेजेंडरी पॉकीमॉन भी होते हैं। वेल सुपर आर्मी, मैं हूँ सुपर डुपर हिंदी और मैं आज बात करने वाला हूँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन्स के बारे में। सभी पॉकीमॉन्स को पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग रैंक किया गया है तो ये हो सकता है कि आपका फेवरेट पॉकीमॉन इस लिस्ट में ना हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पॉकीमॉन के फैन हो तो सुपरडुपर हिंदी को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना ऐसे ही पॉकीमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज के इस पॉकीमॉन की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 हाइड्रीगन। हाइड्रीगन एक फिफ्थ जनरेशन का सूडो लेजेंडरी पॉकीमॉन है डार्क एंड ड्रैगन टाइप और ये इवॉल्व फॉर्म है ज्यूलिस का। इसका नाम एक मिथिकल ड्रैगन से मिला है हाइड्रा और इसके तीन सर इस बात को प्रूव करते हैं। हाइड्रीगन अपने डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट नेचर से पहचाना जाता है। इसके तीन सर किसी भी चीज को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। हाइड्रीगन के बहुत अच्छे ओवरऑल बेस स्टेट हैं स्पेशली इसका स्पेशल अटैक। नंबर 9 ड्रैगोनाइट। ड्रैगोनाइट फर्स्ट जनरेशन का एक सूडो लेजेंडरी पॉकीमॉन है ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप और ये इवॉल्व फॉर्म है ड्रैगोनेयर का। वैसे तो ड्रैगोनाइट बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और अपने सराउंडिंग्स को हार्म करने लगते हैं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ड्रैगोनाइट का एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन बनाते हैं, जैसे कि ये डिफरेंट टाइप के मूव को यूज कर सकता है लाइक थंडर पंच एंड आइस पंच। इसके पास एक्सट्रीम स्पीड है जिससे कि ये बहुत तेज फ्लाई कर सकता है। अगर ड्रैगोनाइट की बेस स्टेट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, जैसे कि इसके अटैक, स्पेशल अटैक एंड स्पेशल डिफेंस। नंबर 8 सेलेमेंस। सेलेमेंस एक थर्ड जनरेशन का पॉकीमॉन है फ्लाइंग एंड ड्रैगन टाइप और ये इवॉल्व फॉर्म है शेलगोन का। सेलेमेंस एक सेलेमेंडर की तरह दिखता है जिसके पास विंग्स हैं। सेलेमेंस मेगावोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होने के भी केपेबल है। सेलेमेंस भी एक गुस्से वाला पॉकीमॉन है और ये गुस्से में अपनी आसपास के सराउंडिंग्स को बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है और तब तक करता रहता है जब तक ये थक नहीं जाता। मेगा सेलेमेंस और भी ज़्यादा भयानक हो जाता है और इसलिए ही इसको द ब्लड सोक क्रेसेंट बोला जाता है। सेलेमेंस के ओवरऑल बेस स्टेट हाई है, स्पेशली इसके अटैक एंड स्पेशल अटैक और मेगा वोल्यूशन के जो इसके बेस स्टेट हैं वो इसके बेस स्टेट्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। नंबर 7 गार्चॉम। गार्चॉम एक फोर्थ जनरेशन का सूडो लेजेंडरी पॉकीमॉन है ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइप और ये इवॉल्व फॉर्म है गेबाइट का। गार्चॉम कॉम्बिनेशन है एक हैमर हेड शार्क एंड ड्रैगन का। गार्चॉम मेगावोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होने के भी केपेबल है और जब ये मेगावोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होता है तब इसका लुक और भी ज़्यादा मस्त हो जाता है और साथ ही साथ इसके पास इनक्रेडिबल स्पीड आ जाती है। गार्चॉम के बेस स्टेट की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और जब ये मेगावोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होता है तब इसके बेस स्टेट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाते हैं, स्पेशली इसके स्पेशल अटैक एंड स्पीड, और इसलिए ही गार्चॉम पॉकीमॉन ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रैगन टाइप पॉकीमॉन है। नंबर 6 चारिजार्ड। चारिजार्ड एक फर्स्ट जनरेशन का पॉकीमॉन है फायर एंड फ्लाइंग टाइप। चारिजार्ड इवॉल्व फॉर्म है चार्मिलियन का और ये मेगा चारिजार्ड एक्स एंड मेगा चारिजार्ड वाई में इवॉल्व हो सकता है। चारिजार्ड को इस लिस्ट में इसलिए लिया गया है क्योंकि जो मेगा चारिजार्ड एक्स फॉर्म है वो एक ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप पॉकीमॉन है। मेगा चारिजार्ड एक्स ऑडियंस में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और मेगा चारिजार्ड एक्स को पॉपुलर उसका डिज़ाइन बनाता है। अगर चारिजार्ड के बेस स्टेट की बात करें तो वो इतने इंप्रेसिव नहीं है जितने होने चाहिए, लेकिन जब ये मेगा चारिजार्ड एक्स में इवॉल्व होता है तब उसके बेस स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ जाती है, स्पेशली मेगा चारिजार्ड एक्स के अटैक्स। नंबर 5 जायगार्ड। इस लिस्ट का सबसे पहला लेजेंडरी पॉकीमॉन 6th जनरेशन से जो एक ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइप पॉकीमॉन है। जायगार्ड के तीन फॉर्म होते हैं 10% फॉर्म, 50% फॉर्म एंड कंप्लीट फॉर्म, जिनमें से कंप्लीट फॉर्म इसका सबसे बेस्ट फॉर्म है। जायगार्ड ऑरा ट्रायो का पार्ट है जिसमें कि जर्नियस एंड यूक्टिल भी शामिल है। जायगार्ड की बॉडी पे जो कोर्स बने होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं जिससे कि जायगार्ड की स्ट्रेंथ और भी इंक्रीज हो जाती है। जायगार्ड ज़्यादातर अपने 50% फॉर्म में रहता है और जब ये अपने कंप्लीट फॉर्म में आता है तब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर पॉकीमॉन बन जाता है। अगर इसके बेस स्टेट की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली इसका अटैक एंड डिफेंस।
नंबर 4 पालकिया, इस लिस्ट का सेकंड लेजेंडरी पोकेमॉन। पालकिया एक ड्रैगन एंड वॉटर टाइप पोकेमॉन है, साथ ही में सीनो ट्रायो का पार्ट भी है। पालकिया के पास स्पेशल एबिलिटी है जैसे कि फ्रैपिंग स्पेस एंड क्रिएटिंग डिफरेंट रियलिटीज। पालकिया अपने डायमेंशन में रहता है और ये एक वायलेंट नेचर का भी पोकेमॉन है, स्पेशली तब जब इसकी फाइट डियाल्गा से होती है। ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है इसलिए इसके बेस स्टेट भी काफी ज्यादा हाई है, स्पेशली इसके स्पेशल अटैक्स। नंबर 3 डियाल्गा, एक और सीनो ट्रायो का मेंबर डियाल्गा, जो एक स्टील एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। पालकिया की तरह ही इसके पास भी स्पेशल एबिलिटीज है जैसे कि टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करने की। डियाल्गा चाहे तो टाइम को स्लो, फास्ट या रोक भी सकता है। डियाल्गा की बॉडी पे शार्प हॉर्न्स, फैंग्स एंड स्पाइंस है जिससे कि वो दिखने में और भी अच्छा लगता है। डियाल्गा भी पालकिया की तरह दूसरे डायमेंशन में रहता है और जब भी डियाल्गा एंड पालकिया दूसरे से मिलते हैं तब वो आपस में फाइट करते हैं। अगर डियाल्गा के स्टैट्स की बात करें तो उसके अटैक, डिफेंस एंड स्पेशल अटैक काफी अच्छे हैं। नंबर 2 जैक्रोम। जैक्रोम एक लेजेंडरी पोकेमॉन है 5th जनरेशन से और ये एक ड्रैगन एंड इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। जैक्रोम क्यूरम में फ्यूज होकर ब्लैक क्यूरम बन जाता है और इसके पास यूनिक टेल है जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी एंड एंटी ग्रेविटी को जनरेट कर सकता है। जैक्रोम इतना पावरफुल है कि ये थंडरस्टॉर्म्स को क्रिएट कर सकता है। अगर इसके बेस स्टेट्स की बात करें तो वो काफी अच्छे हैं अदर लेजेंडरी पोकेमॉन्स की तरह ही। जैक्रोम के अटैक, डिफेंस एंड स्पेशल अटैक काफी ज्यादा अच्छे हैं। नंबर 1 रेक्वाजा। फैन फेवरेट पोकेमॉन रेक्वाजा एक ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 3 से और साथ ही साथ होएन ट्रायो का पार्ट है जिसमें कि कायरोग्रे एंड ग्राउडॉन भी शामिल है। रेक्वाजा मेगा वोल्यूशन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। रेक्वाजा के पास एक स्पेशल ऑर्गन है, जब वो मीटर्स की एनर्जी से चार्ज अप हो जाता है तब रेक्वाजा मेगा वोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रेक्वाजा अर्थ की एटमॉस्फेयर में रहकर अर्थ को मीटोराइट से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ जब कायरोग्रे एंड ग्राउडॉन एक दूसरे से फाइट करते हैं तब उनकी फाइट को रेक्वाजा स्टॉप कराता है। रेक्वाजा के बेस स्टेट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और खासकर रेक्वाजा के अटैक एंड स्पेशल अटैक्स पर फोकस किया गया है और इसलिए ही मेगा रेक्वाजा को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से रेक्वाजा को नंबर 1 स्पॉट पर रैंक किया गया है। वेल तो गाइस, ये थे मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको टॉप 10 फायर टाइप पोकेमॉन एंड टॉप 10 स्टील टाइप पोकेमॉन की वीडियो देखनी है तो आप लोग आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो एंड आप लोग मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो जहां पर ऐसी आपको और भी टॉप 10 एंड टॉप 5 वीडियोस मिल जाएंगी। एंड अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो। वेल तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और अगर सुपर डुपर हिंदी पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना ऐसे ही पोकेमॉन की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइज, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय। Pick up,